आज हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं, थैलिस थ्योरम पर ही बेस्ड है, कन्वर्ज ऑफ थैलिस थ्योरम, तो इस पर बना रहे हैं। ये फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन है ये, इस डायग्राम में ही सारा डायग्राम में ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। इसमें क्या है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। उसमें कहता है कि ये जो डी ई है वो पैरेलल है ओ क्यू के। दूसरा कहता है कि ये जो डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर के। तो कहता है कि प्रूव कीजिए ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, यानी हमको प्रूव करना है कि ये जो ई एफ है ये क्यू आर के पैरेलल है। ये पैरेलल तो तभी होगा ना जब ये और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो सेम होगा, तभी ना ये इसके पैरेलल होगा। तो हमको रेशियो निकालना पड़ेगा, इसका रेशियो, इसका रेशियो, ठीक है। तो क्वेश्चन में इतना ही इनपुट है, इसी से हमको निकालना है। पहला इनपुट क्या है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, मतलब ट्रायंगल हो गया हमारा पी ओ क्यू, ट्रायंगल हो गया हमारा पी ओ क्यू, है ना, पी ओ क्यू, है ना। क्या है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल हो गया पी ओ क्यू। तो हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, है ना, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या है, डी ई, यही ना हुआ, पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, पी ओ क्यू, ठीक है। तो डी ई इज, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये दिया हुआ है। तो क्या हो गया, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये किसको किसको कट कर रहा है, ये डी इस साइड को कट कर रहा है और इस साइड को कट कर रहा है। ये जो डी ई है डिवाइड कर रहा है पी क्यू को ई पर, और पी ओ को डी पर डिवाइड कर रहा है, यानी इसका जो रेशियो होगा ए और ये रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर पी ई, पी ई ई क्यू, पी बाई क्यू इक्वल टू पी डी बाय डी ओ, पी डी बाय डी ओ, यही होगा। एक रिलेशन हमारा एक निकल गया ये। अब दूसरा है, ये जो डी एफ है वो आर के पैरेलल है, ये जो डी एफ है वो आर के पैरेलल है। तो अब हमको इस ट्रायंगल को लेना होगा पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर, ये ट्रायंगल हो गया। उसी में आता है ये डी एफ और ओ आर दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो ऐसा रहने से क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसा रहने से क्या होगा, पी एफ बाय एफ आर इक्वल टू पी डी बाय डी ओ, यही ना डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर डी पर डिवाइड कर रहा है और एफ पर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डी पर डिवाइड कर रहा है और एफ पर डिवाइड कर रहा है। तो पी डी और डी ओ का जो रेशियो है वही रेशियो होगा पी एफ और एफ आर का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पी एफ बाय पी एफ बाय एफ आर इक्वल टू पी डी बाय डी ओ, पी डी बाय डी ओ, ये हो गया दूसरा। अब देखो दोनों में पी डी बाय डी ओ, तो ये और ये इक्वल हुआ कि नहीं। नाउ फ्रॉम
equation 1 and 2, we get PD by DO बराबर ये है, PD by DO के बराबर ही ये है, इसके बराबर ये है, इसी के बराबर ये है, ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं? By EQ equal to PF by FR, ठीक है, ये निकल गया, क्या मिला हमको? PE EQ PF FR वाना PE EQ हो गया, ये दोनों का रेशियो, फिर PF और FR दोनों रेशियो सेम है, ये इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो हमको सेम मिल गया, इसका मतलब क्या होगा? कन्वर्ज ऑफ थैलिस थ्योरम, तो ये जो है इसके पैरेलल हो गया, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है, कैसे? अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थैलिस थ्योरम, है ना, हम हमेशा लिखते नहीं है, याद रखना है, तो ये प्रूफ हो गया, यही तो हमको प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया, यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, तो अच्छे से प्रूफ हो गया, अब इसको रिवाइज कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन है, यही डायग्राम से ही क्वेश्चन है, ये डायग्राम में, इस डायग्राम में दिया हुआ है LM इज पैरेलल टू CB, तो LM इज पैरेलल टू CB है, ठीक है, ये जो LM है CB के पैरेलल है, दूसरा LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD, ठीक है, ये दो दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है AM बाय AB इक्वल टू AN बाय AD, ठीक है, तो हम पहले देखते हैं, ये और ये पैरेलल है, ये दोनों किस ट्रायंगल का हिस्सा है? ए LM का हिस्सा है, ये एक ट्रायंगल हो गया, ए LM एक ट्रायंगल हो गया, उसमें ये और ये पैरेलल है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा, उसी तरह से ये दोनों जो है पैरेलल है, ये ट्रायंगल है ALN, इसमें ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो जो है सेम होगा, ठीक है, इसी से तो निकालना है, तो हम लोग देखते हैं, इन ट्रायंगल ALN, इन ट्रायंगल ALM, LM is parallel to CB, LM is parallel to CB, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा, therefore MB upon BA equal to LC upon CA, ये एक हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया हमारा, दूसरा इन ट्रायंगल ALN, इन ट्रायंगल ALN क्या है? LN इज पैरेलल टू CD, ये दूसरा है, ठीक है, तो अब क्या होगा? ये और ये का रेशियो जो होगा इस दोनों के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, तो छोटा वाला पार्ट से ही लेते हैं MB, तो क्या हो गया? ND अपॉन DA, ND अपॉन DA इक्वल टू LC अपॉन CA, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, अब दोनों में देखो LC अपॉन CA है, LC अपॉन CA की इक्वल ये है, LC अपॉन CA की इक्वल ये है, इसका मतलब ये और ये इक्वल हो गया, रॉन्ग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट MB अपॉन BA इक्वल टू ND अपॉन DA, ये मिल गया हमको, तो उस प्रूफ क्या करना है? AM, ठीक है, AM कहीं नहीं, AM बाय AB, AB नीचे है,
यहाँ भी ए भी नीचे है, कोई बात नहीं है। यहाँ भी ए डी है, उसी को हम यहाँ डी ए लिखे हैं। नीचे वाला ठीक है, ऊपर वाले का हमको चेंज करना है। ऊपर में ए एम लाना है, ए एम लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे वन, ठीक है। ये मिला, अब हम दो ऐड कर देते हैं, एम बी अपॉन बी ए प्लस वन, इधर भी प्लस वन कर देते हैं, एम बी अपॉन डी ए इसको भी प्लस वन कर दिए। दोनों तरफ जब प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एम बी प्लस बी ए अपॉन बी ए इक्वल टू, ये प्लस कर देंगे हम, ऊपर हो जाएगा एम डी प्लस बी ए। सर फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शनल एडिशन कर रहे हैं, एलसीएम लेकर के घबराने की कोई बात नहीं है। एम बी प्लस बी ए क्या होता है, एम बी प्लस बी ए क्या हो गया, एम ए या ए एम, बी ए लिखा हुआ उसको हम ए बी लिख देते हैं, ठीक है। एन डी प्लस डी ए, एन डी प्लस डी ए क्या हो, एन ए इसको हम ए एन लिख देते हैं, और डी ए है ना तो इसको हम ए डी लिखते हैं उल्टा के, ठीक है। तो यही तो प्रूव करना था, प्रूव यही हमारा प्रूव करने का था, टारगेट प्रूव हो गया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, थैलिस थ्योरम के हेल्प से सब हो जाता है। ओके, हैव अ नाइस डे।